सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G में कॉल रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आपके फोन में गूगल डायलर रहेगा, इसलिए फ्रेंड्स आप जब भी अपनी कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो फ्रेंड्स आपको कॉल अनाउंसमेंट का साउंड आता है। तो यार, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यार, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख रहे, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो फ्रेंड्स आपकी कॉल रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो यार, इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा, ताकि इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप किसी भी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो फ्रेंड्स आपके फोन में कॉल अनाउंसमेंट का साउंड आता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके फोन में गूगल डायलर रहेगा। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे फ्रेंड्स आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहां पे आपको सर्च करना है ओ डायलर। सो फ्रेंड्स, यहां मैं ओ डायलर सर्च कर लेता हूं। उसके बाद यहां पे आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अदरवाइज मैं इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपके फोन में तभी वर्क करेगा जब फ्रेंड्स आपके फोन में एंड्रॉइड 12 वर्जन होगा। तो फ्रेंड्स यहां पे आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और फ्रेंड्स यहां पे आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो यार, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फ्रेंड्स आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो फ्रेंड्स यहां मैं ओपन पे क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे फ्रेंड्स आपको ओके पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ओ डायलर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको कुछ परमिशंस को अलाउ कर देना है। सो फ्रेंड्स यहां पे अलाउ कर देता हूं। यहां पे फ्रेंड्स मैंने परमिशंस को अलाउ कर दिया। उसके बाद यहां पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यहां मैं ओ डायलर में आ गया हूं। उसके बाद यहां पे मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूं। सो फ्रेंड्स यहां मैंने कॉल कर दिया, देखिए यहां मैंने कॉल किया। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख रहे हैं, मेरी कॉल कनेक्ट होने के बाद मैं आपको कॉल रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगा। यहां पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मेरी कॉल कनेक्ट हो गई है और यहां मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूं। इस पे रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहां पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको चेक करके दिखाऊं कि फ्रेंड्स मेरी कॉल कहां रिकॉर्ड हुई है। तो फ्रेंड्स यहां पे आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहां पे फ्रेंड्स आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको फ्रेंड्स ऑडियो पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे फ्रेंड्स आपकी फोन की सारी कॉल्स रिकॉर्ड होंगी। यहां पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपकी यहां पे कौन कौन सी कॉल्स रिकॉर्ड हुई हैं। और फ्रेंड्स आपको और कॉल्स को रिकॉर्ड करना है तो फ्रेंड्स यहां पे आपको ओ डायलर ऐप में जाना पड़ेगा। वहां से फ्रेंड्स आप कोई भी कॉल करेंगे तो फ्रेंड्स वहां से आपकी सारी कॉल्स रिकॉर्ड होंगी। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कॉल रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।